फ्रेंड मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज मैं आपके पास फिर एक शानदार वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड निब्बू जैसे आप जानते हैं हम लोग साल भर पूरे साल हम लोग के निब्बू का ऐसा उत्पादन होता है, हर जगह हम लोग को निब्बू की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बीमारी हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, हर समय हम लोग को निब्बू की जरूरत पड़ती पड़ती है। नींबू का अचार ले लो, नींबू की शिकंजी ले लो, दवाई ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, हम लोग पौधों में इस्तेमाल करते हैं, हर तरीके से हम लोग को नींबू की जरूरत पड़ती पड़ती है। तो फ्रेंड आज मैं आपको नींबू की वीडियो के बारे में ही बताने चाहती हूँ। ये देखिए मेरा पेड़ इस समय इतना ज्यादा फलों से लदा हुआ है कि मैं आपको मतलब कैसे गिन के दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा पेड़ इतना बड़ा है, चारों तरफ इसमें इतने फ्रूट लगे हुए हैं कि मैं आपको गिन के नहीं दिखा पाऊंगी। कैसे गिन के दिखाऊं, इस समय आप ये एक नींबू देख रहे हैं, ये देखिए एक नींबू ये लगा हुआ है और ये देखिए एक नींबू इसमें ये लगा हुआ है, और मतलब ऐसे ही ये मेरा पूरा पेड़ इतना ज्यादा नींबू से लदा लद भरा हुआ है। मैं आपको भी गिन के दिखाऊंगी, ये देखिए इस तरह के मतलब इसमें इतने ज्यादा नींबू लगे हुए हैं चारों तरफ मेरा पेड़। इस समय मैं नींबू के पेड़ के नीचे ही खड़ी हुई हूँ फ्रेंड, इतने ज्यादा इसमें नींबू लदे हुए हैं। ये देखिए, ये आप डंगाल देख सकते हैं, ये देखिए देख सकते हैं आप, एक नींबू, दो नींबू, और मतलब ऐसे ही मेरा ये पेड़ इस समय पूरा छकाछक भरा हुआ है। तो फ्रेंड मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नर्सरी से पेड़ खरीद सकते हैं। मेरा ये पेड़ कम से कम 10 साल पुराना है, मैंने नर्सरी से ही ये पेड़ लिया था, और नर्सरी से मैंने साल भर का लिया था, मुश्किल से इतना छोटा था, और 10 साल फिर मैंने इसका इतना बढ़िया ट्रीटमेंट किया है, और फिर ये मेरे चार साल से ये इतना ज्यादा फल दे रहा है कि मैं शायद अपने मोहल्लों में भी बांट रही हूँ तो भी कम नहीं पड़ रहे हैं। पूरी गर्मी भर हम लोग इसकी चाय पीते हैं, हम लोग सलाद खाते हैं, हर तरह से नींबू का योग पूरा हर तरह से हम लोग इसका इतना उपयोग करते हैं नींबू का फ्रेंड। तो मैंने इसमें क्या क्या डाला है मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले जब मेरा पेड़ इतना सा था मैंने इसको स्टार्ट ही करना मैंने हर 15 दिन में इसकी गुड़ाई करी, हर 15 दिन में इसकी गुड़ाई करती हूँ। मेरी आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, सारी सेम टिप्स हैं। मैं पहले इसकी पूरी गुड़ाई करती हूँ, गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें एक से बढ़कर एक खाद डालती हूँ। 15 दिन में मैंने इसमें अंडे के छिकल डाले, कम से कम 4 अंडे के छिकल डाले। फिर जब मेरा पूरा एक महीना बीत गया तब मैंने इसमें बोन मिल डाली, फिर मेरा एक महीना बीत गया तब मैंने इसमें सरसों की खली डाली। तो फ्रेंड हर महीने मैं इसमें इतनी ज्यादा खाद डालती हूँ, हर महीने में एक खाद, और मैं इसमें छिड़काव करती हूँ। सिरके का भी एंटीसाइटिक होता है, ये वैसे भी हमारा लेमन ट्री है, तो इसमें हम लोग को छिड़काव करने के लिए फ्रेंड लहसुन के छिकल का भी मैं उपयोग करती हूँ, लहसुन का छिलका, और कीटनाशक दवाई नीम का तेल का उपयोग करती हूँ। मैं इसमें कपूर का छिड़काव भी करती हूँ, क्योंकि कपूर भी एक फंगीसाइड होता है बहुत बढ़िया, और नींबू के पेड़ में अक्सर कीड़े लग जाते हैं बरसात के टाइम, और बरसात के टाइम इसमें कीड़े ना लगे इसके लिए मैं कपूर का उपयोग करती हूँ। कपूर पूरा एक लीटर पानी में एक इतना छोटा सा कपूर डालती हूँ, मुश्किल से इतना छोटा सा कपूर का एक ढेले आते हैं मार्केट में, आप देंगे इतने छोटे पैकेट में कम से कम 10-15 छोटे छोटे से कपूर की टेबलेट होती है। तो फ्रेंड मैं सिर्फ 2 टेबलेट लेती हूँ 1 लीटर के पानी में, और पूरी तरह से मैं इसका छिड़काव कर देती हूँ एक महीने में कपूर का। एक महीना जब मेरा बीत जाता है तो मैं लहसुन पूरे छिकल सहित कूटती हूँ, 10 छिकल कूटती हूँ, फिर मैं उसका छिड़काव कर देती हूँ। पूरे लहसुन का छिड़काव हो गया, कपूर का छिड़काव हो गया, कभी कभी मैं डिटॉल का पानी भी, बहुत अच्छा फंगीसाइड होता है, मैं कभी कभार इसमें डिटॉल का पानी का भी छिड़काव करती हूँ, क्योंकि बरसात के टाइम हमारे नींबू के पेड़ में बहुत कीड़े पड़ते हैं, तो हम लोग को समझ लीजिए हर 15 दिन में फंगीसाइड इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कीड़े इतने अटैक करते हैं पूरे हमारे पत्तों में जाले पड़ जाते हैं, और जब हमारे फल आ जाते हैं तो उसमें खास तौर से इतना ज्यादा कीड़ा प्रभाव करता है, तो हम लोग को उन सबको बचाने के लिए ही हर 15 दिन में एक हम लोग को कीटनाशक दवाई का उपयोग करना ही करना है। तो फ्रेंड मैं पूरे साल भर मेरा ये नींबू छकाछक भरा रहे उसी के लिए मैं आज आपको उपाय बता रही हूँ। आप लोग मेरी पहले की वीडियो भी नींबू की देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, और ये मेरी दूसरी ही पार्ट 2 मेरा पड़ रहा है नींबू का। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, मैं आपको फिर भी अपने नींबू दिखाती हूँ, कितने सारे मेरे नींबू लगे हुए हैं। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए एक नींबू, ये देखिए दो नींबू, ये देखते हैं कितने बड़े बड़े मेरे कागजी नींबू हैं। और ऐसे पूरा पेड़ मेरा ये लदा हुआ है पूरा नींबू से कि मैं आपको गिन के नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे भी होते हैं तो मेरे हाथ फंस रहे हैं कांटों में। मतलब ये इसी तरह के नींबू से ऐसे छकाछक भरा हुआ है और मेरा पूरा इस समय पेड़ भरा हुआ है नींबू के पेड़ से। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप मेरे पेड़, ये देखिए कितनी पूरा मेरा पेड़ छकाछक भरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एक ये नींबू लगा हुआ है। इसी तरह के मेरा ये पूरा पेड़ इस समय इतना लदा हुआ है नींबू से और कांटे इसमें इतने बड़े बड़े हैं कि मैं आपको पूरी तौर से हाथ डाल डाल के दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कांटे लगे हुए हैं। ये देखिए जहां तक मेरा हाथ पड़ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी तो मेरा आप ऐसे ही देख लीजिए। ये देखिए अंदर से देखिए आप इसमें, ये देखिए पूरे नींबू ऐसे छकाछक भरे पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए एक, ये देखिए, ये देखिए इस तरह के फ्रेंड यहाँ पे इतने नींबू लगे हैं लेकिन मेरे हाथ पहुंच नहीं पा रहा है। इसमें इतने कांटे होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन फ्रेंड मैंने इसकी इतनी अच्छी केयर करी है और मेरा इस समय ये इतना बड़ा भर गया है पूरा पेड़ चारों तरफ पूरी तौर से मेरा भर गया है, क्योंकि मैंने इसको जमीन में लगा रखा है। ये पेड़ मेरा जमीन में लगा हुआ है इसीलिए आप इसका इतना शानदार बफोंस देख रहे हैं। मैंने एक गमले में भी लगा रखा था और ये मेरा जमीन में लगा हुआ है, तो मेरे पास थोड़ी सी जमीन आगे जगह हुई थी तो मैंने जमीन में लगाया है। उसमें आप देखिए इतनी खूबसूरत पूरा फल भरा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड आज की वीडियो मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो आज आपको।